दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। रील्स वीडियो देखकर सोने की आदत है, जानिए इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है। क्या आप भी रोज रात में सोने की कोशिश करते हैं लेकिन 3-4 बजे तक फोन चलाते रहते हैं? क्या आपको भी रात में देर तक फोन चलाकर सोने की आदत है जिसकी वजह से आपकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, काम में मन नहीं लगता, सेहत बिगड़ रही है? अगर हाँ तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि ये केवल आपकी समस्या नहीं है बल्कि आज के समय में लगभग हर इंसान इस समस्या से जूझ रहा है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इसका समाधान क्या है और कैसे हम खुद को इस चीज से बचा सकते हैं, कैसे हम बिस्तर पर लेटते ही नींद के आगोश में जा सकते हैं ताकि अगले दिन पछताना ना पड़े। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिनके कारण आपको टाइम पर नींद नहीं आती है। दोस्तों नींद ना आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जिसमें सबसे बड़ा कारण मानसिक तनाव है। अगर हमें तनाव है, हम सोच रहे हैं कि मन में तरह तरह की बातें चल रही है तो नींद आना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए असीमित दिनचर्या यानी कि अगर आपका रूटीन रेगुलर नहीं है तो उसकी वजह से भी आपको नींद ना आने की समस्या से जूझना पड़ सकता है। क्योंकि जो लोग रोज रात को देर से सोते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं, रात भर की नाइट शिफ्ट करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी महान लोग हैं जो देर रात तक पार्टी वगैरह करते हैं, इस तरह के रूटीन के कारण हमारी जो इनर बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि कब जागना है कब सोना है, तो उसकी वजह से नींद ना आने की समस्या पैदा हो जाती है। खाने पीने में भी अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, जैसे कि आप अल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहे हैं या आप कैफीन का ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं या फिर आप बहुत लेट नाइट डिनर करते हैं, तो इस तरह की चीजों से भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे डिजिटल डिवाइस जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह चलाने के अगर आप आदि हैं, सारा दिन स्क्रीन देखते रहते हैं जिसकी वजह से आपकी आंखों पर ब्लू लाइट पड़ती है, वो भी आपकी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि जो स्क्रीन की लाइट होती है वो मेलाटोनिन यानी कि नींद लाने वाले हार्मोन को बनाने में रुकावट पैदा करती है जिसकी वजह से नींद आने में समस्या आती है। दोस्तों हमारी नींद के लिए मेलाटोनिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है जो कि लाल रोशनी में ज्यादा बनता है, इसलिए कई बार लोग लाल बल्ब का इस्तेमाल करते हैं ताकि अच्छी नींद आ सके। लेकिन मोबाइल फोन लैपटॉप वगैरह से ज्यादातर ब्लू लाइट निकलती है जो मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देती है जिसकी वजह से नींद आना एकदम से बंद भी हो सकती है। और ऐसे में आजकल लोग इनसोम्निया यानी कि अनिद्रा जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बाकी डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस जैसी मानसिक बीमारियों के कारण भी इंसान की नींद उड़ जाती है। इसके अलावा अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उससे भी नींद आने में प्रॉब्लम हो जाती है। और बात केवल नींद की नहीं है, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती तो उसका शरीर पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। अगर आप रात में ठीक से नहीं सोए तो अगले दिन बहुत सुस्ती रहेगी, थकान रहेगी, काम करने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी, और अगर ये चीज ज्यादा लंबे समय तक चलती रही तो कई तरह की बीमारियां आपके शरीर में घर कर लेंगी जिसमें सबसे पहले मोटापा है। और अगर एक बार मोटापा आ गया तो अकेले नहीं आता, अपने साथ साथ डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज जैसी कई बीमारियां लेकर आता है। अगर आप ठीक तरह से नींद नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और फिर जुकाम, सर्दी, बुखार जैसे रोग आपको आसानी से अपनी चपेट में ले लेंगे और आप अधिकतर बीमार रहेंगे। यानी एक तरफ तो आपका शरीर थका थका महसूस करेगा, दूसरी तरफ आप हर हफ्ते बीमार पड़े रहेंगे जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाएंगे और आपका जो वर्क लाइफ है या फिर स्टूडेंट लाइफ है वो बिल्कुल खराब होती चली जाएगी। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक वजह से होगा, वो है ढंग से नींद ना आना। लेकिन अब यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है, वो सब तो ठीक है लेकिन जब नींद नहीं आ रही है तो क्या करूं, कैसे हम एक बेहतर और अच्छी नींद ले सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको कम से कम 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए जिससे आपकी बॉडी अपने आप रिपेयर कर सके। क्योंकि अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो बॉडी में डैमेज होना शुरू हो जाता है। और 8 घंटे की नींद भी ये नहीं कि आप कभी भी सो जाएं और कभी भी 8 घंटे की नींद ले लें।
आपका एक नियमित समय होना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय पर सोएंगे नहीं तो समय पर उठ नहीं पाएंगे। आपको हमेशा अपना रूटीन बनाकर रखना चाहिए, मुझे इस टाइम पर सोना ही सोना है। पर जाहिर सी बात है, आपकी आदत तो बिगड़ चुकी है, आपको तो देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत है, तो आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने सोने से 2 घंटा पहले ही मोबाइल फोन को अपने से दूर कर दें। वैसे तो कहा जाता है कि इंसान को सबसे गहरी नींद रात 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आती है, और अगर आप इस समय सो जाते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ही बेहतर तरीके से हील करती है, सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आपको बस अपने सोने का और उठने का एक नियमित समय बनाना है, और फिर अपने सोने से 2 घंटे पहले ना कुछ खाना पीना है, ना ही मोबाइल फोन, ना फिर लैपटॉप जैसी चीजों को देखना है। अगर आप चाहें तो किताबें पढ़ सकते हैं, जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको नींद आने में मदद भी मिलेगी। शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी नींद का कोटा बेहतर होता जाएगा, वैसे वैसे आपको थकान कम लगेगी, आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और धीरे धीरे आप सही समय पर सोने की आदत बना लेंगे। बस ये जो स्क्रीन है ना, इसका टाइम कम कर दीजिए, फिर चाहे वो मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, आपको 2-3 घंटे से ज्यादा इसे नहीं देखना। और अगर आप काम ही इसी पर चलाते हैं तो समय समय पर आपको अपने आप को ब्रेक देना चाहिए। सोने से 2-3 घंटे पहले अपना सारा काम बंद कर दें, तब जाकर आप कहीं एक अच्छी नींद ले पाएंगे जो आपको एक बेहतर जिंदगी देगी, ताकि आपकी वर्क लाइफ और या फिर स्टूडेंट लाइफ हर एक चीज बेहतर बन जाए। उम्मीद है आपको वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।